तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं न्यूक्लियॉन प्लस के ऑनलाइन प्रोग्राम के बारे में। ठीक है, जैसा कि बच्चे जेईई और नीट में ऑफलाइन कोचिंग को प्रेफर करते हैं और एक साल की अगर फीस जोड़ी जाए तो लगभग बच्चा दूसरे शहर में जाके 3 लाख रुपये 11th में और लगभग इतने ही पैसे 12th में खर्च करता है। यानी इन दोनों को मिला लिया जाए तो 11th और 12th का लगभग खर्चा बच्चे का जेईई की प्रिपरेशन का लगभग 6 लाख रुपये आता है और नीट की प्रिपरेशन में थोड़ा सा कम आएगा, 5 लाख के आसपास। ठीक है, तो क्लासरूम जो कोचिंग है वो हमेशा से एक बहुत पॉपुलर मीडियम रहा है कोचिंग का, लेकिन अब डे बाय डे ऑनलाइन कोचिंग जो है वो बच्चे की ज़रूरत बनती जा रही है। तो अब इस केस में न्यूक्लियॉन प्लस जो है वो कैसे आपकी हेल्प कर सकता है, इसके क्या फॉलोइंग फीचर्स हैं, वो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले किसी भी कोचिंग का जो मेन होता है रीढ़ की हड्डी, जिसको हम बोलें कि फैकल्टीज, तो हमने इस बात का पूरी तरीके से ध्यान रखा है कि बच्चे को अच्छी फैकल्टी मिलनी चाहिए क्योंकि उसका कोई सब्सिट्यूट नहीं है। बाकी सारे रिसोर्सेस आप अच्छा कर दो लेकिन अगर फैकल्टी अच्छी नहीं हुई तो उसकी तैयारी कभी भी अच्छे लेवल की नहीं होगी। तो हमने इस बात का ध्यान रखते हुए हमारे पोर्टल पे केवल एक्सपीरियंस्ड आईटीएन फैकल्टीज ही जो है वो रखी हुई है, यानी कि जो क्लासेस लेती है। ठीक है, तो हमारी टीम जो है वो आईटीएन की टीम है जो कि इसके लिए पूरा डेडिकेटली मेहनत कर रही है कि बच्चा जो है एक बेहतर कंटेंट ले, कोटा का कंटेंट ले। ठीक, तो दूसरा जो है पॉइंट वो है कि कोटा का स्टडी मटेरियल। ठीक है, तो जो कोटा का इतने सालों का एक्सपीरियंस है पढ़ाने का, उस एक्सपीरियंस का सबसे मेन चीज़ है स्टडी मटेरियल। तो नए नए क्वेश्चंस उसमें एडेड हैं और जिनसे अच्छे लेवल की प्रैक्टिस होती है तब जाके बच्चा एग्ज़ाम में अच्छा कर पाता है। तो हम कोटा का स्टडी मटेरियल पीडीएफ में आप बच्चों को इस कोर्स के अंदर प्रोवाइड करा रहे हैं। तीसरी चीज़ जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ वो है कि लाइव डिस्कशन क्लास। अब अगर बच्चे ने क्वेश्चन बैंक लेने के बाद सोल्व करना स्टार्ट किया तो जाहिर सी बात है कि उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम उसको ज़रूर आएगी। ठीक है, तो डाउट जो है डिस्कशन जो क्वेश्चंस का है वो कैसे हो। ठीक है, तो इसके लिए हमने इस प्रोग्राम में लाइव डिस्कशन क्लास रखी हुई है जिसमें हम जो पीडीएफ दे रहे हैं बच्चे को टॉपिक वाइज जो है उसको डिस्कस करेंगे। यानी बच्चा आकर वहाँ पे क्वेश्चन लिखेगा अपना, कौन सा क्वेश्चन पूछना है, और हमारे एक्सपर्ट आईटीएन एक्सपर्ट उसको सोल्व करेंगे लाइव क्लास में। तो डिस्कशन यानी कि होमवर्क करना बहुत ज़रूरी है, बच्चे का क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, और वो जिससे पूछे वो उसको सही तरीके से बताए ये भी बहुत ज़रूरी है। तो लाइव डिस्कशन जो है वो बच्चे का होगा क्वेश्चंस का। अब हम अगले पॉइंट पर आ जाते हैं, वो है लाइव डाउट क्लास। ठीक है, अब बच्चा अगर कोई वीडियो देख रहा है, थ्योरी में उसे कोई डाउट आता है तो कहाँ जाके पूछे। तो हमने उसके लिए इस प्रोग्राम में लाइव डाउट क्लास भी रखी हुई है ताकि बच्चा किसी भी टॉपिक से कोई भी डाउट हमारे एक्सपर्ट से पूछ सके। अब अगर मान लीजिए वो लाइव क्लास में नहीं आ सकता तो हमने उसके लिए रखा हुआ है डाउट पोर्टल। यानी डाउट पोर्टल पे जाकर बच्चा अपना क्वेश्चन वहाँ पोस्ट कर सकता है और हमारे एक्सपर्ट उसको जल्दी से जल्दी उसका जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो बच्चे के जो डाउट है जो वहाँ पे वो लिख सकता है और भेज सकता है हमें, जिसको हम जो है मेल पर या उसी डाउट पोर्टल पर उसका जवाब देंगे। अगली चीज़ है कि स्टूडेंट का एक पर्सनलाइज पोर्टल। अब बच्चा जो तैयारी कर रहा है उसमें उसका सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है कि वो एग्ज़ाम दे, असाइनमेंट सबमिट करे, तो उसके लिए हमने डेडिकेटली हर स्टूडेंट का एक पोर्टल बनाया हुआ है जिसमें वो अपने पास असाइनमेंट रिपोर्ट सबमिट कर सकता है, देख सकता है, और जो भी एग्ज़ाम उसने दिया है उस एग्ज़ाम की रैंक और उसका रिजल्ट वो वहाँ पर चेक कर सकता है पर्सनलाइज पोर्टल पर। तो अगली खासियत है स्टूडेंट्स पर्सनलाइज पोर्टल। नेक्स्ट है ऑनलाइन टेस्ट सीरीज। तैयारी किस लेवल की हो रही है उसे चेक करने का सबसे अच्छा तरीका है टेस्ट देना। तो हमने हमारे पोर्टल पे दोनों तरह के टेस्ट रखे हुए हैं। पहला टेस्ट है सिंगल टॉपिक वाइज टेस्ट, तो बच्चा टॉपिक जो है वो पढ़ने के बाद उसका एक इंडिविजुअल उसी टॉपिक का टेस्ट दे सकता है, और जब उसकी तैयारी अच्छे लेवल की हो गई हो तो उसके लिए हमने कंप्लीट टेस्ट भी रखे हुए हैं जो कि वो पोर्टल पर जाके दे सकता है। अगला जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है लोएस्ट कॉस्ट। जैसा कि मैंने वीडियो के शुरू में इस बात की डिस्कशन किया था कि कॉस्ट जो है ऑफलाइन कोचिंग की बहुत हाई है, हर एक आदमी के लिए अफोर्डेबल नहीं है, तो हमने ये मान लीजिए कि सोशल इनिशिएटिव मानते हुए इस चीज़ को, इस प्रोग्राम को, क्योंकि एजुकेशन सभी के लिए अवेलेबल होनी चाहिए और एजुकेशन वास्तव में तो फ्री होनी चाहिए सबके लिए। ठीक है, लेकिन चूंकि प्रोग्राम चलाने का एक रनिंग कॉस्ट आता है तो हमने उसको कंसिडर करते हुए अभी लोवेस्ट कॉस्ट जितने भी प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं सभी इंस्टीट्यूट के द्वारा, उनमें अगर आप कंपेयर करेंगे तो सबसे लोवेस्ट कॉस्ट न्यूक्लियॉन के प्रोग्राम की है।
ठीक है। तो हमने जो है कॉस्ट जो है मैं आगे जाके डिस्कस करूँगा कि कितनी है प्रोग्राम की। ये कोर्सेज हमारे तीनों मोड में अवेलेबल है। आप चाहें अगर आपके पास इंटरनेट की फैसिलिटी नहीं है तो आप यूएसबी में मंगा सकते हैं, ठीक है। अगर आप इंटरनेट यूज़ कर सकते हैं तो और कंप्यूटर लैपटॉप में देखना चाहते हैं तो उसके लिए वीओडी प्रोग्राम है, और अगर आपके पास मोबाइल है केवल तो मोबाइल ऐप के थ्रू भी आप सारे कोर्सेज देख सकते हैं, ठीक है। और इसके साथ हम आपको ईयर लॉन्ग स्टडी प्लानर देंगे, जिस सीक्वेंस में आप टॉपिक पढ़ेंगे और जिस सीक्वेंस में आप डिस्कशन क्लास अटेंड करेंगे वो प्लानर आपके पास होगा डे फर्स्ट पे, ठीक है। तो ये न्यूक्लियन के जो है प्रोग्राम की खासियत है, ठीक है। हमारे फैकल्टी टीम के बारे में बता दूँ कि फिजिक्स विल बी टेकन बाई SSI सर, ही इज़ ग्रेजुएट इन फ्रॉम IIT दिल्ली, ही हैज़ डन BTech डिग्री। सेकेंड इज फिजिकल एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री विल बी टेकन बाई NV सर, BTech IIT दिल्ली। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री विल बी टेकन बाई VKP सर, MSc IIT BHU। एंड मैथमेटिक्स विल बी टेकन बाई AS सर, ही इज़ BTech फ्रॉम IIT गुवाहाटी, ठीक है। अब अगर आप इस प्रोग्राम में एनरोल करते हैं तो इसका मैक्सिमम यूज़ जो है वो कैसे करें, मैक्सिमम बेनिफिट आप कैसे ले सकते हैं वो मैं बताने वाला हूँ। तो गाइडलाइन आप ध्यान से देखें, ये प्रोग्राम में आपको हेल्प करेगा, ठीक है। तो सबसे पहला काम जो करना है कि जो कोर्स प्लानर हम दे रहे हैं उसको केयरफुली आपको पढ़ना है और इसी ऑर्डर में जो है आपको पढ़ना है। इससे आपको एग्जैक्ट सीक्वेंस मिल जाएगा टॉपिक का, ठीक है। अब आप अपने वीडियो लेक्चर जो इसमें हमने डाले हुए हैं प्रोग्राम के अंदर VOD और ऐप में, वो वीडियो लेक्चर आपको इसी टॉपिक सीक्वेंस में ही देखना है, ठीक है। तो पहला पॉइंट हो गया कि कोर्स प्लानर के हिसाब से आपको पढ़ाई करनी है। दूसरा पॉइंट आपको कैसे तैयारी करनी है कि जो टॉपिक आपके प्लानर में अभी है करने वाला, सबसे पहले तो आपको सबसे पहले उसके सारे वीडियो देखने हैं, ठीक है। और सारे वीडियो देखने के बाद जब आप वीडियो देख रहे हैं तो लेक्चर नोट्स बनाइए, ठीक है। और लेक्चर नोट्स वैसे ही बनाइए जैसे कि आप क्लासरूम कोचिंग में बनाते थे। इसके लिए आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं क्योंकि ये लाइव वीडियो नहीं है, ये है स्ट्रीमिंग वाले वीडियोस जो कि आप एनी टाइम देख सकते हैं। लाइव वीडियो में एक रेस्ट्रिक्शन आती है कि हमें एक पर्टिकुलर टाइम पर ही आना होता है, तो हमने थ्योरी के वीडियोज़ को हमने स्ट्रीमिंग मोड में रखा हुआ है कि एनी टाइम एनी वेयर यू कैन वॉच। तो फिजिकल क्लासरूम जो है जिसमें नोट्स बनाते थे आप, वैसे ही आपको वीडियो देख के नोट्स बनाने हैं अपने, ठीक है, फेयर अच्छी हैंड राइटिंग में। तीसरा पॉइंट है कि जब आप सारे वीडियो देख चुके हैं एक पर्टिकुलर टॉपिक के, तो आप हमारे पोर्टल पे दिए गए उस टॉपिक के PDF को डाउनलोड कीजिए जिसमें क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। और आप क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट कर दीजिए क्योंकि क्वेश्चन प्रैक्टिस करना बहुत ही अनिवार्य फीचर है, ठीक है। अब जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कुछ क्वेश्चन आपसे नहीं होंगे, ठीक है। अगर आपसे कोई क्वेश्चन नहीं हो रहा है और आप ये पहचान पा रहे हैं कि किस सब टॉपिक से रिलेटेड है, तो आप उसी सब टॉपिक का वीडियो दोबारा देखिए, ठीक है। अगर वो थ्योरी आपकी क्लियर नहीं हुई है, ठीक है, तो उस केस में उसके पहले आपको क्या करना है, जब आपको किसी क्वेश्चन में दिक्कत आए तो जो लेक्चर नोट्स आपने बनाए हैं उनको पढ़ना है सबसे पहले, ठीक है। क्योंकि लेक्चर नोट जो है वो बहुत जल्दी आपको टॉपिक का फील दे देगा, टाइम कम लगेगा, ठीक है। अगर आप लेक्चर नोट से नहीं समझ पाए हैं तो फिर आप उस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर पर जाइए और उसे दोबारा देखिए सब टॉपिक को, ठीक है। अब वो टॉपिक देखने के बाद आप क्या करेंगे, आप उस क्वेश्चन को दोबारा रीअटेम्प्ट करेंगे, ठीक है। अगर आप उसको रीअटेम्प्ट करने के बाद भी सॉल्व नहीं कर सकते हैं, देन यू कैन आस्क दैट डाउट इन लाइव डिस्कशन क्लास विच विल बी टेकन बाई अवर एक्सपर्ट फैकल्टी, ठीक है। नेक्स्ट मैं आता हूँ कि आफ्टर वाइल वॉचिंग वीडियोस, वीडियो आप देख रहे हैं थ्योरी का, कोई ना कोई डाउट वहाँ पे जरूर आएगा, आप उस डाउट को नोट डाउन कीजिए और जब भी लाइव डाउट क्लास होगी तो हमारे एक्सपर्ट से पूछिए, ठीक है। या आप क्या कर सकते हैं, उस डाउट को अगर आप लाइव क्लास में नहीं आ सकते तो हमारे डाउट पोर्टल पे उसको जो है आप सेंड कर सकते हैं, पोस्ट कर सकते हैं, जिसका जवाब आपको दिया जाएगा जल्दी से जल्दी, ठीक है। अब आपने क्या किया, सारे क्वेश्चन उस पर्टिकुलर टॉपिक के अटेम्प्ट कर लिए हैं, ठीक है। तो अगला जो हमारा स्टेप होगा कि हमने हर टॉपिक का वहाँ पे टेस्ट रखा हुआ है टेस्ट सीरीज पैनल पे, तो आप उस टेस्ट को ट्राई करेंगे और उसकी परफॉर्मेंस चेक करेंगे कि मेरे कितने मार्क्स आ रहे हैं और बाकी लोगों से भी कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। अब आप देखिए कि सबसे बड़ा जो इम्पोर्टेंट जो है कि सक्सेस का जो फार्मूला है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, वो है क्वेश्चन प्रैक्टिस, ठीक है। तो हम चाहते हैं कि बच्चे क्वेश्चन को खुद से सोल्व करें और उनकी गलतियां जो होगी उसको देखें और डिस्कशन लाइव करवाएं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हम आकर वहाँ क्वेश्चन सोल्व करना चालू कर दें और आप उसको थ्योरी लेक्चर की तरह देखते रहें।
जब तक आप खुद क्वेश्चन नहीं करोगे तब तक आप टॉपिक नहीं सीखोगे। तो सिलेक्शन के लिए बहुत अनिवार्य है कि आप खुद से क्वेश्चन करें, आप बिल्कुल हार्ड वर्क करें इसमें और सिंसियरिटी से करें। तो रेगुलरिटी और सिंसियरिटी इज़ अ की टू सक्सेस। तो आप अगर जितनी मेहनत करेंगे उसी हिसाब से आपका लेवल इम्प्रूव होगा, उतना ही अच्छा आपको एग्ज़ाम में परफॉर्म कर पाएंगे। तो इसके लिए मैं एग्ज़ाम के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक देना चाहूँगा कि आपके ब्राइट फ्यूचर के लिए हमारी इस पूरी टीम की ओर से बेस्ट ऑफ लक।